मानेंगी। इसलिए हे महाबाहो, विजय और पराजय, जीवन और मृत्यु, सुख और दुख के प्रश्नों में ना उलझो और युद्ध करो। यदि इस युद्ध में तुम्हारी विजय हुई तो पृथ्वी का राज्य और यश भोगोगे, और यदि वीर गति को प्राप्त हुए तब भी यश के साथ साथ स्वर्ग पाओगे। इसलिए हे कौंतेय, उठो, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सबको समान समझो और युद्ध करो, कि यही तुम्हारा क्षत्रिय कर्तव्य भी है और मानव धर्म भी। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। मेरा हाथ तो अब भी कांडी की ओर नहीं बढ़ रहा है केशव। मेरी समझ में तो अब भी ये नहीं आ रहा है कि इस युद्ध से लाभ क्या होगा। लाभ हानि ये दोनों ही सापेक्ष शब्द हैं धनंजय। मैं जानता हूं कि तुम्हें पृथ्वी के भोग या स्वर्ग के सुख की कामना नहीं है। इसलिए हे कौन्तेय, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय से ऊपर उठो पार्थ। मुझसे तो अब भी नहीं उठा जा रहा है केशव। अब तक मैं तुम्हें ज्ञान और विवेक की दृष्टि से समझा रहा था पार्थ, जो जीवन के आर पार देख सकती है और सत्य की गहराई में झांक कर उसकी अंतरात्मा का स्वर समझ लेती है। किंतु कदाचित तुम उसकी अमूर्तता में उलझ गए। तो व्यावहारिक कर्म की तुला में इस क्षण को तोल कर देखो पार्थ। व्यावहारिक कर्म की दृष्टि से अपने कर्तव्य के विषय में निर्णय लो, तब भी तुम इसी निर्णय पर पहुंचोगे कि तुम्हारे लिए इस युद्ध में भाग लेना आवश्यक है। यही निर्णय तो मैं नहीं ले पा रहा हूं केशव, नहीं ले पा रहा हूं। तुम ये निर्णय केवल इसलिए नहीं ले पा रहे हो पार्थ कि तुम इस क्षण को केवल व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत हानि की तुला में तोल रहे हो। यही तो मोह का बंधन है पार्थ, यही तो तुम्हारे शोक की जड़ है, और इसीलिए तुम्हारा ये कायर पलाय और कलंक में डुबोने वाला शोक न तुम्हारे हित में है और न ही समाज के हित में। यह शोक न वर्तमान के लिए शुभ है और न ही भविष्य के लिए। लाभ और हानि की इस कामना में न भटको पार्थ, न भटको, केवल कर्म करो। कर्म कर्म तो अपने आप ही में पुण्य है, पवित्र है और समाज के लिए कल्याणकारी भी है। कर्म तो स्वयं ही अपना फल भी है पार्थ, परंतु यदि तुम समाज कल्याण के कार्य में स्वयं अपना हित मिला लोगे तो तुम्हारा वो कर्म अशुद्ध और अशुभ हो जाएगा। इसलिए हे पार्थ, निष्काम कर्म के मार्ग पर चलो, क्योंकि कर्म फल तो तुम्हारे वश में है ही नहीं। इसलिए केवल कर्म करो और कर्म फल की इच्छा न करो।